हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं ये श्योर करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हम देखने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले कहीं से भी सवाल उसका आप बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस 10 ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर को एनालाइज करने के बाद लिखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर लिखें, डिस्क्रिप्टिव और पॉइंट वाइज आंसर लिखें और अपने सब्जेक्ट टीचर से इसका करेक्शन करवाएं। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को गूगल कर सकते हैं। मैंने इन सारे क्वेश्चन को चेक किया है गूगल पे, इनके बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव और पॉइंट वाइज आंसर दिए हुए हैं। चूँकि ये सारे प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्टिव और पॉइंट वाइज आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले कहीं से भी सवाल आए, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। इसी तरह से मैंने इकोनॉमिक्स, सिविक्स के सारे चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Important questions of federalism. How is a federal government different from the unitary form of government? Why are federation preferred these days? Describe the main features of federalism. Differentiate between coming together federation and holding together federation with examples. What makes India a federal country? What are the three lists given in the constitution? Why has federalism succeeded in India? Which were the policies adopted by India that ensured this success? Explain. Describe the constitutional steps taken in 1992 towards decentralization in India. What is the rationale for decentralization of power? Explain the structure of rural local government in India. तो ये था दोस्तों क्वेश्चंस। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को जोर से जोर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।